नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चक्र। अलीगढ़ रेमडेसिविर इंजेक्शन के इंतजार में अटकी है सांस। रेमडेसिविर इंजेक्शन न मिलने से नाराज लोगों ने सीएमओ कार्यालय पर किया हंगामा। बैठे धरने पर की इंजेक्शन की मांग। अलीगढ़ रेमडेसिविर इंजेक्शन न मिलने पर अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमारदारों ने अलीगढ़ के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर हंगामा करते हुए सीएमओ कार्यालय परिसर में ही धरने पर बैठकर और इंजेक्शन की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया। कोरोना काल में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इनमें कुछ ऐसे भी मरीज हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल कम है। ऐसे तमाम संक्रमित मरीजों को डॉक्टर रेमडेसिविर इंजेक्शन लिख रहे हैं। जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता बाजार में नहीं है, इस इंजेक्शन को पाने के लिए मरीजों के तीमारदार अपने मरीज की रुक रही सांसों को जिंदा रखने के लिए डॉक्टरों के द्वारा लिखी गई दवा का पर्चा लेकर के शुक्रवार को औषधि निरीक्षक व सीएमओ कार्यालय के चक्कर काटते रहे। लेकिन चिंता की बात तो यह है कि जवाबदेही से बचने के लिए अधिकारी फोन तक नहीं उठा पा रहा है। ऐसे में अब अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमारदार करे तो क्या करे, हमारी मदद कर दो, कोई लोग बोलना ही नहीं चाह रहे हैं। हम लोग गुलाम हो गए हैं, हम नपुंसक हैं। पुलिस की वर्दी दिख जाती है, हम सब डर जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वे लोग कह रहे हैं जिनके अपने कोरोना संक्रमण से संक्रमित है। और अस्पतालों में कोई आईसीयू में वेंटिलेटर पर भर्ती है तो कोई आइसोलेशन में भर्ती है, जिनकी रुकती सांसों को रोकने के लिए डॉक्टर रेमडेसिविर इंजेक्शन को मरीज के पर्ची पर लिखकर इस दवा को उनको तीमारदारों से मांग कर रहे हैं। इस इंजेक्शन का आज के हालातों में आसानी से मिलना मुश्किल ही नहीं, पूरी तरह से नामुमकिन हो चला है। ऐसा ही एक मामला अलीगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर आज देखने को मिला है, जहां अस्पतालों में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजन के द्वारा डॉक्टर उनके मरीजों को पर्ची में लिखकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग की गई। जब मरीज के तीमारदार लिखी गई दवा रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेने के लिए सीएमओ कार्यालय पर पहुंचे तो उन्हें वहां कई घंटे गुजारने के बाद भी रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दिया गया। रेमडेसिविर इंजेक्शन न मिलने पर लोगों के सब्र का बांध जवाब दे गया, जिसके बाद मरीजों के तीमारदारों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय पर हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मरीजों के परिजन हंगामा करते हुए सीएमओ कार्यालय पर ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए और जमकर हंगामा किया। सीएमओ कार्यालय पर लोगों के धरने पर बैठने और हंगामे की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस भारी पुलिस फोर्स के साथ सीएमओ कार्यालय पर पहुंच गई, जहां हंगामा कर रहे लोगों को काफ़ी देर के बाद समझा बुझाकर शांत कराया गया। अलीगढ़ प्रशासन ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को देने के लिए नियम बना दिया है। जिस मरीज को इस इंजेक्शन की ज़रूरत होगी, उसकी सारी डिटेल के साथ सीएमओ कार्यालय में कमरा नंबर 102 में वार्ड डिजिटल जमा करनी है, डिटेल जमा करनी है, जिसके बाद प्राथमिकता के आधार पर रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जाना है। लेकिन कई मरीजों के तीमारदार सीएमओ कार्यालय पर सिर मारते मारते थक गए, लेकिन उनको इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तीमारदारों का आरोप है कि जिस बाबू पुष्पेंद्र की ड्यूटी इंजेक्शन के लिए लगाई गई है, वह लोगों के साथ अभद्रता करता है, ना लोगों के कागज जमा कर रहे हैं। परेशान तीमारदार इंजेक्शन पाने के लिए कमरा नंबर 102 के बाहर जमीन पर बैठे हुए हैं। आज भी ऐसा ही हुआ, जब कुछ मरीजों के तीमारदार सीएमओ कार्यालय पहुंचे, उनको वहां से टाल दिया गया, जिसके बाद उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और उनको कार्यालय से बाहर लेकर आई। वहां गिड़गिड़ाते हुए एक मरीज के भाई ने तो यहां तक यह भी कह दिया कि मेरे भाई की मौत हो गई तो मैं भी यहीं सीएमओ कार्यालय में अपने आप को आग लगाते हुए आत्मदाह करूंगा। अस्पताल में भर्ती मरीज के तीमारदार अब्दुल रहमानी ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि उनका भाई मोहम्मद रहीश पिछले 3 दिनों से मृतकास अस्पताल में भर्ती है, जिसकी ऑक्सीजन क्षमता 70% रह गई है। ऐसे में अगर उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दिया गया तो वो अगले 2 दिन तक नहीं बचेगा और उसकी इंजेक्शन के बिना मौत हो जाएगी। इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को पाने के लिए पिछले 2 दिन से इस सीएमओ कार्यालय के चक्कर काट रहा हूं, लेकिन मुझे अभी तक एक भी इंजेक्शन नहीं दिया गया है। इंजेक्शन के लिए व्यवस्थाएं क्या है, यहां कोई बताने को तैयार ही नहीं है। सरकारी कर्मचारी ऐसे दौड़ा रहे हैं जैसे कि हम कुत्ते हैं। तीमारदारों की इस कार्यालय में फाइल और फॉर्म उठाकर फेंक दिए जाते हैं। ऐसे में अगर किसी से नंबर लेकर अधिकारी का फ़ोन करते हैं तो उनका फ़ोन उठता ही नहीं है या फिर फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया जाता है। इन्होंने हम लोगों को गुलाम बना रखा है, गुलाम। सीएमओ कार्यालय के अंदर एक पुष्पेंद्र क्लर्क कार्यरत है। क्लर्क पुष्पेंद्र के पास फाइल जमा हुई थी, जिस फाइल की पुष्पेंद्र ने रिसीविंग भी अभी तक नहीं दी है। ऐसे में अगर उनसे कुछ बोला तो हो सकता है कि वो हमारी फाइल को उठाकर कचरे भी फेंक दे। तो वहीं आज सुबह 9 बजे से सीएमओ कार्यालय पर रेमडेसिविर
रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए बैठा है। केवल आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक अस्पताल में भर्ती भाई रईस के पास एक भी इंजेक्शन नहीं पहुंचा है। पहले बोला गया था आपको 6 इंजेक्शन मिलेंगे, लेकिन उसके बाद सीधा बोला गया अस्पताल का स्टाफ आएगा, उसको ही इंजेक्शन मिलेगा, आपको इंजेक्शन नहीं मिलेगा। अब्दुल रहमानी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि डिप्टी सीएमओ कार्यालय में मौजूद है और डिप्टी सीएमओ के द्वारा बोला गया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जब होगा नहीं तो हम आपको देंगे कहाँ से, इंजेक्शन होगा क्यों नहीं। सवाल तो वही है, कोरोना आज से नहीं आया है बल्कि कोरोना आए हुए 1.5 साल हो गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के लिए सुबह से करीब 100 से ज़्यादा लोग सीएमओ कार्यालय पर आकर के जा चुके हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन इनके द्वारा उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जो इनके लोग जानने वाले हैं। कार्यालय पर इनके जानने वाले करीबियों को 6-6 इंजेक्शन दिए हैं ऐसे भी सुनने में आया है, और उन लोगों के द्वारा दिखाया भी जिन करीबियों को इंजेक्शन मिले हैं। इंजेक्शन के लिए इस कार्यालय में 6 दिन दौड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इंजेक्शन एक भी नहीं दिया अभी तक। मानी और मेरा भाई यहाँ मिथराज हॉस्पिटल में पिछले 2-3 दिन से एडमिट है, और वो इस वक्त उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन हो गई है 70%। इस वक्त उसको अगर इंजेक्शन नहीं दिया गया अगले 2 दिन में उसका उसकी डेथ हो जाएगी, वो नहीं बचेगा। मैं यहाँ पर 2 दिन से दौड़ रहा हूँ, मुझे एक भी इंजेक्शन अभी तक नहीं मिला है। व्यवस्था का क्या है कोई बताने को तैयार नहीं है। सरकारी कर्मचारी हमको ऐसे दौड़ा रहे हैं जैसे हम कुत्ते हैं। हमारी फाइल उठा के फेंक दी जाती है, हमारा फ़ोन उठा के फेंक दिया जाता है। फ़ोन अगर उनको नंबर लेके किसी से बात करो तो स्विच ऑफ कर देते हैं फ़ोन या उठाते नहीं हैं। उन्होंने हमको गुलाम बना रखा है, गुलाम। पुष्पेंद्र जी हैं एक, जो यहाँ पर एज ए क्लर्क कार्यरत हैं। कहाँ पर हैं आप, किससे? मैं यहाँ पर पुष्पेंद्र जी, उनके पास फॉर्म जमा हुआ था हमारा सारा, अभी तक उन्होंने रिसीविंग तक नहीं दी है। अब मैं बोल रहा हूँ तो हो सकता है मेरा फॉर्म उठा के कचरे में फेंक दें। किस जगह आए थे आप? मैं यहाँ से लेके यहाँ मेरा फॉर्म जमा हुआ सीएमओ ऑफिस में आया हूँ। मैं सीएमओ ऑफिस में कल से चक्कर काट रहा हूँ। आज सुबह 9 बजे से यहीं पर बैठा हुआ हूँ, मुझे सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, हाँ भैया हो गया आपका, हाँ भैया हो गया आपका, और अभी तक एक इंजेक्शन नहीं पहुँचा है मेरे भाई के लिए। और मैंने फार्मूला पहले कहते आपको मिल जाएगा, 6 इंजेक्शन मिलेंगे, फिर इसका सीधे बोले कि नहीं, हॉस्पिटल का बंदा आएगा उसको मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर इंजेक्शन बोल रहे हैं अंदर, डिप्टी सीएमओ साहब बोल रहे हैं कि इंजेक्शन होगा नहीं तो हम लोग देंगे कहाँ से। तो होगा क्यों नहीं, मेरा क्वेश्चन तो वही है, कोरोना आज से नहीं आया, आज 1.5 साल हो गया है, व्यवस्था क्या है? रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने आए हैं, कोई आश्वासन नहीं दे रहे, कोई आश्वासन नहीं, कुछ नहीं। कितने लोग हैं आप यहाँ पर सुबह से लेके अब तक? कम से कम नहीं तो 100 लोग आके जा चुके हैं। इंजेक्शन नहीं मिल रहा, जो इनके जानने वाले हैं, जो इनके करीबी हैं, उनको 6-6 मिल रहे हैं ऐसा सुनने में आया है। कुछ लोगों ने दिखाया भी है कि उनको मिले हैं जो इनके बहुत करीबी हैं, ठीक है, उनको अंदर बिठा के चाय नाश्ता करा के उनको दिया जा रहा है, और जिसको देना चाहिए कि एक एक सबको दे दे, फिर अगले दिन बुला के एक एक दे दे, फिर अगले दिन। हम 6 दिन दौड़ने को तैयार हूँ, मैं 6 दिन दौड़ने को तैयार हूँ, लेकिन इंजेक्शन एक भी नहीं दिया है, क्योंकि एक क्या नाम है आपको? राहुल चौधरी। राहुल जी क्यों आए आप धरने पर, क्यों बैठे? धरना नहीं है कुछ भी हमारा, हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी फर्स्ट डोज लग चुकी है, 2 इंजेक्शन लग चुके हैं, अगर हमें एक इंजेक्शन नहीं मिल रहा है आज तो वो दोनों डोज खराब हो गए। हमारे तरफ से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है प्रशासन से, ना हमारा कोई डिमांड है, हमारा ये कि हमारा इंजेक्शन हमें मिले ताकि हम बच्चे की जान बचा सकें। तो यहाँ सीएमओ ऑफिस आप बैठे, क्या कहना है सीएमओ साहब का? सीएमओ साहब से मेरी कोई मुलाकात नहीं, ना उन्होंने सबसे कुछ बात करी। तो किसी तरह का आश्वासन दिया आपको? जी सर, कोई आश्वासन दिया गया? सर ये कि हमारे पास इंजेक्शन नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या करेंगे आप? करेंगे क्या, हम तो हमें जो डिमांड है वो हमें चाहिए कि हमारे इंजेक्शन दो ताकि हम अपने बच्चों को बचा सके। एक लाश निकलती लगता है दूसरी डेड बॉडी हमारे किसी मिलने वाले की जाएगी। 70% डैमेज है हार्ट लंग्स, और 2 इंजेक्शन लगने के बाद पैसे खर्च करके 2 इंजेक्शन लगा लिए, तीसरा नहीं मिलेगा तो मेरा वो 2 भी बेकार है ना सर। कितने का मिला इंजेक्शन? जी सर कितने का मिला? 2450। जो हमें ना किसी ने हमसे कोई 1 रुपया मांगा है, ना हमसे किसी ने कोई डिमांड रखी। कौन बीमार है आपका? जी सर बीमार कौन है? मेरा भांजा। कहाँ पर? वरुण हॉस्पिटल। पूरे मामले पर जब हमने प्रशासन का पक्ष जानना चाहा तो कोई भी अधिकारी कैमरे पर आने को तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है कि मरीज के तीमारदारों को ना तो कोई जवाब देने वाला है और ना ही इंजेक्शन। आखिर लोग परेशान, जाए तो जाए कहाँ? खबर जगत के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट।